कुक योर फूड में आपका स्वागत है। मैं हूँ रश्मि और आज हम बनाएंगे पूरी के साथ खाने वाली हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी। बहुत ही क्विक और डिलीशियस रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद आती है। आलू अगर पहले से बॉइल्ड हो तो ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पैन में मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और 2 हरी मिर्चें बीच में से काटकर, और इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। और मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए भुनने के बाद इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा पक जाए, इसका कच्चापन निकल जाए। और जब ये इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। यहाँ हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर में ले आना है। तो इन सबको अच्छे से चलाने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया है करीब 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद जब प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ 2 टमाटर। आप चाहें तो टमाटर को मिक्सी में पीस कर इसका प्योरे भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे नमक। हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर फटाफट से गलना शुरू हो जाएगा। तो जब ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, यानी कि इसका मॉइस्चर थोड़ा निकल जाए, तो इसमें डाल देंगे अपने सूखे मसाले। तो ये देखिए, थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद टमाटर की ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है। तो इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसकी ग्रेवी बनाने में बहुत ही बेसिक मसाले यूज़ होते हैं और आमचूर पाउडर डालने से इसमें थोड़ा टैंगी फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। मसाले अच्छे से पक जाएं, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। और 1 चम्मच कसूरी मेथी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए और इसे हाथों से क्रश करके रख लेंगे साइड में। और कुछ देर बाद मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और ऑयल प्रॉपरली सरफेस पे आ गया है। तो इसको हम चला लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे पानी। मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी यूज़ किया है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालें। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी। इन सबको अच्छे से चलाने के बाद जब ग्रेवी में बॉयल आ जाए तो उसके बाद इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको हम इस तरह से हाथों से क्रश कर लेंगे। ऐसा करने से जो आलू का साइज़ है वो अनइवन होता है और इसके जो छोटे पीसेज हैं वो ग्रेवी में घुलकर ग्रेवी को थिक बना देते हैं। तो मैंने इस तरह से सारे आलू क्रश कर लिए हैं और हमारी ग्रेवी में भी बॉयल आ चुका है। तो चलिए आलू को हम ग्रेवी में डाल देते हैं। आलू हमारे पहले से बॉयल्ड हैं तो हमें इन्हें ज़्यादा देर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इन्हें 2-3 मिनट और कुक कर लेंगे ग्रेवी के साथ, जिससे कि प्रॉपरली ग्रेवी का फ्लेवर अब्सॉर्व कर लें। यहाँ पे आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं और अगर ज़रूरत हो तो पानी डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए कवर करके पका लिया है। उसके बाद देखिए, ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है और आलू प्रॉपरली ग्रेवी में ब्लेंड हो गया है। तो इसमें डालेंगे फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पूरियों के साथ ब्रेकफास्ट में सर्व करें, ये बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो चलिए हम इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। और जब भी आपको कुछ क्विक और टेस्टी बनाने का मन करे तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आलू की सब्ज़ी की इस मज़ेदार रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुक योर फूड को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।